सो गाइस अभी मैं आपको स्टेज का एक फनी सा चीज दिखाने वाला हूँ। आप हमारे सस्ते मिथुन दा को देखिए, मैं वहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको दिखाई देगा नहीं देगा। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और शूटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक बार देख के मेरा करके ही दिखा देता सो गाइज आज हम आ चुके काली पूजा में, जो कि आपको ब्लॉग थोड़ा सा लेट में मिलेगा। इस ब्लॉग में फनी सा और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, तो लास्ट तक बने रहना। जो जो आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाया सेम टू सेम आपको उसी तरीके से कुछ पार्ट दिखाया जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए। सो गाइज आज यहाँ काली पूजा में हम आए हैं, देख सकते हो आप सामने। हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा काम तो बनने दो भाई। छोटा बोल श्री कालिका। हम तो खिचड़ी बन गई। So guys, यहाँ पे देख सकते हो सामने अपने काली माता है और बाकी सामने कुछ स्टेज परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया गया है। So guys, अभी मैं आपको स्टेज का एक फनी सा चीज दिखाने वाला हूँ। आप हमारे सस्ते मिथुन दा को देखिए, मैं वहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं आपको दिखाई देगा नहीं देगा, तो भी ट्राई करता हूँ। देखिए जरा ये अपने सस्ते मिथुन दा, बिल्कुल सस्ते मिथुन दा मिल यहाँ पे जो बैठा हुआ है, इन्होंने एक नहीं दो नहीं आज तीसरे साल में भी प्रवेश। सो गाइस अभी आप मेरे इधर का पूरा व्यू देखिए, पूरा ही व्यू देख लीजिए, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह पे ये डेकोरेट किया है। पीछे देख सकते हो पूजा हो रहा है और जो स्टेज परफॉर्मेंस वो हो रहा है, तो सॉन्ग की वजह से मैं इधर आके शूट कर रहा था। बाकी आप एक बार इधर देख लीजिए, पीछे पूरा देख लीजिए, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और शूटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक बार देख के मेरा करके ही दिखा देता हूँ। सो ये देख लो गाइस इधर का पूरा प्लेस, और बाकी यहाँ पे सब तैयारी हो रहे हैं और बाकी यहाँ पे थोड़ा खेल कूद भी चल रहा है, देख सकते हो आप लोग। बाकी ग्रास भी देख सकते हो, बहुत ग्रीनरी यहाँ पे, और वहाँ पे ही जो कुछ है वहाँ सब भी डेकोरेट किया गया है। बाकी यहाँ पे ये जगह पूरा खाली रखा गया है। Nai nami samanita
तो गाइज यही कुछ मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट मिला आपके साथ शेयर करने का। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो कवर करूँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।